अहमदिया बेचारा वक्फ का मारा। सीधा सवाल यह कि क्या वक्फ बोर्ड भारत के अल्पसंख्यक मुसलमानों को भी अपनी संपत्ति समझने लगा है? वक्फ क्या करेगा, और मुसलमान है कौन नहीं? देश का कोई भी कानून वक्फ बोर्ड को यह इजाजत नहीं देता कि वो किसी को अपने धर्म से विहीन करे। वक्फ बोर्ड का ना तो कोई इसमें दखल होना चाहिए, ना उनको कोई अधिकार है, ना अधिकृत है इस मामले में कोई भी टिकट टिप्पणी करने का, कि कौन धर्म में है, कौन धर्म का पालन करता है, कौन मुस्लिम है, कौन नहीं है, कौन, ये कहने का उनको अधिकार नहीं है। इस तरह के फालतू के बयान अभी मैंने सुने नहीं है, सुन लें उसके बाद बताएंगे किसने बोला ये बात। Head of the Ahmadiyya Muslim community. We want to thank you. Yes. We want to thank you. You help our community in India. Thank you very much. You are very close to Ahmadiyya. Yes, we know that you help. Thank you. You make history in India. Now this has to be fought out by two people, the community and the law. So I am not. मानना है कि इस तरह की विसंगतियों से बचना चाहिए। जितना कुछ हमने पढ़ा है इतिहास में, अगर अभी भी हम एकांगी दृष्टिकोण से चीजों को देखेंगे, कभी न्याय नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूं वक्फ बोर्ड को पुनर्विचार करना। मतलब अहमदिया मुसलमान वक्फ कह रहा मुसलमान ही नहीं है अहमदिया। आज मैं सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या अब वक्फ बोर्ड ने देश के मुसलमानों को भी अपनी संपत्ति समझ लिया है? क्या अब वक्फ बोर्ड यह फैसला लेगा कि देश के अहमदिया मुसलमान है या नहीं है? यह वक्फ बताएगा मुसलमान कौन है कौन नहीं है, अहमदिया मुसलमान है नहीं है, यह वक्फ बोर्ड बताएगा? क्या वक्फ बोर्ड और कुछ राज्य सरकारें भारत के लाखों अहमदियों को उसी तर्ज पर ट्रीट करेंगी जैसे पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को ट्रीट किया जाता है? बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं मैं। क्या अब राज्य सरकारों की शह पर वक्फ बोर्ड संविधान की धज्जियां उड़ाएगा? क्या वक्फ बोर्ड तय करेगा कि कौन सच्चा मुसलमान है, कौन काफिर है? काफिर अहमदियों को काफिर कहा है वक्फ बोर्ड ने। यह सवाल जानते हैं क्यों? यह सवाल इसलिए क्योंकि आंध्र खबर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड का वो फतवा इन दिनों वायरल है जिसमें आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने देश के अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान मानने से इंकार कर दिया है। यही नहीं, उनको काफिर बता दिया कि अहमदिया तो काफिर हैं, ये मुसलमान है ही नहीं। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इसी साल 3 फरवरी को एक लेटर जारी किया था जिसमें लिखा था, लेटर आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा था कि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड को ही 26 मई 2009 के फतवे के मुताबिक अहमदिया काफिर है, मुसलमान नहीं है अहमदिया। ये तो अब तक पाकिस्तान में तो होता है अहमदियों के साथ, ये सब भारत में संभवतः पहली बार हो रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान में अहमदियों को ट्रीट किया जा रहा है, भारत में क्या वैसे ही ट्रीट किया जाएगा? ये भारत है भाई, संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं। ये पाकिस्तान नहीं है, भारत है। इसी के बाद हुआ यह कि इसी महीने की 20 तारीख को अहमदिया मुस्लिम समुदाय की तरफ से भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी गई जिसमें कहा गया, चिट्ठी है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें कहा गया कि कई राज्यों के वक्फ बोर्ड अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान ही नहीं मानते, मुसलमान मानने से इंकार कर रहे हैं, काफिर मान रहे हैं पाकिस्तान में। मैं फिर से बता रहा हूं, यह सब पाकिस्तान में होता है, भारत में इसके लिए कोई जगह नहीं। और इसके जरिए उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ। यह ना सिर्फ संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन है, उल्लंघन है, बल्कि यह वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी जिंदगी में दखल है, दादागिरी भी कह लीजिए। अहमदिया मुसलमानों पर वक्फ की दादागिरी चलेगी क्या? क्योंकि वक्फ बोर्ड का काम सिर्फ संपत्तियों को मैनेज करना है, ना कि यह बताना कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है। कोई नहीं बता सकता, नहीं हमारे हिंदुस्तान में। इसके अगले दिन क्या हुआ, 21 तारीख को इसको चिट्ठी लिखी
अगले दिन तुरंत बड़ी खबर सुनिए, भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से आंध्र प्रदेश सरकार को एक चिट्ठी लिखी गई और कड़े शब्दों में याद दिला दिया गया सरकार की तरफ से, अहमदियों को सरकार का सहारा। खबर बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी खबर है। सरकार ने साफ शब्दों में सख्त लहजे में बता दिया, वक्फ बोर्ड का काम सिर्फ वक्फ की संपत्तियों के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का है। जो फतवा जारी किया है ना, वो ना सिर्फ हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है बल्कि एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाला है। भारत सरकार वक्फ का मारा, अहमदियों को सरकार का सहारा। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इस बारे में आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांग ली है। आंध्र प्रदेश सरकार अपनी रिपोर्ट में क्या बताती है ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन रिपोर्ट मांग ली गई है भाई किस आधार पर आपने अहमदियों को सो कॉल्ड धर्म से बेदखल कर दिया, सो कॉल्ड बता दिया काफिर है, ये तो अहमदिया काफिर है वक्फ बोर्ड के हिसाब से। लेकिन सच ये कि आंध्र प्रदेश में 80 लाख से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। राज्य की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 10% 10%, बड़ी आबादी है। मुसलमान आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है, दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। आप ये भी कह सकते हैं माइनॉरिटी, मतलब दूसरी सबसे बड़ी माइनॉरिटी, और मुसलमान आंध्र प्रदेश में हिंदुओं के बाद दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी है, लेकिन जबकि इनमें अहमदियों की संख्या मुट्ठी भर है। इसको ऐसे समझिए, एक राज्य की दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी, दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी 10% मुसलमान, माइनॉरिटी नहीं है वहां पर, 10% के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी के मन में वहां की असली माइनॉरिटी के खिलाफ नफरत भरने की कोशिश की जा रही है। एक राज्य में वहां की अहमदिया माइनॉरिटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। आप सोचिए, किसी को अल्पसंख्यकों के अधिकारों की चिंता अब नहीं सता रही है, किसी को अल्पसंख्यक अब खतरे में नजर नहीं आ रहे हैं। सोचिए ना, बात बात पर मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में का फर्जी रोना रोने वाले। वक्फ की तरफ से अहमदिया मुसलमानों के साथ हो रहे इतने बड़े अन्याय पर किस बिल में जाकर छिपे हैं ना, ढूंढना मुश्किल है। हालांकि सरकार ने संज्ञान लिया है और वक्फ को सख्त संदेश दे दिया है कि आपका काम ये सब नहीं है। लेकिन यह हाल सिर्फ आंध्र प्रदेश का नहीं है, अहमदिया समुदाय की चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि कई राज्यों के वक्फ बोर्ड अहमदियों के साथ ऐसा ही सलूक कर रहे हैं, उन्हें काफिर बुला रहे हैं, उनका हक छीन रहे। पाकिस्तान से भी तुलना हो रही है। दरअसल हुआ यह है, जिसका बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं, देश भर में संपत्तियों पर अपना अधिकार जताने वाला वक्फ बोर्ड अहमदिया मुसलमानों को अपनी संपत्ति की तरह ट्रीट क्यों कर रहा है और उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, आप सोचिए। वो बताएगा कौन मुसलमान है कौन नहीं है, क्या काम है वक्फ बोर्ड का भाई, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन इस खबर पर भारत की अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने कड़ा एतराज जाहिर किया और कहा कि कोई भी कानून वक्फ बोर्ड को यह अधिकार नहीं देता है कि वे किसी को उनके धर्म से बेदखल कर दे। मैं अल्पसंख्यक मंत्री के नाते यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं, देश का कोई भी कानून वक्फ बोर्ड को यह इजाजत नहीं देता कि वो किसी को अपने धर्म से विहीन करे। इस संबंध में यह भी स्पष्ट करना चाहती हूं कि सरकार से गुजारिश की है कि वो संबंधित वक्फ बोर्ड के संदर्भ में कार्रवाई करके हमें सूचित करें। नो, दिस हैज टू बी व्हाट आर बाय टू पीपल, द कम्युनिटी एंड द लॉ। सो आई एम नॉट अवेयर, बट सिंस यू हैव सेड इट, for my mind I will not try to indulge in their personal law, but either the community, Muslim community or the legal। देखिए, सवाल जानते हैं क्या है? सवाल ये कि मुस्लिम कम्युनिटी अहमदियों को अपनी कम्युनिटी का सदस्य मानती नहीं, वो इसका हल कैसे करेगी, आप सोचिए ना। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जो किया है काफिर बता दिया, अहमदिया मुसलमान काफिर हो गए। जो वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए ही काफिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है,
उससे इसके हल की उम्मीद की जा सकती है क्या? आप तय करिए। काफिर, इस्लाम में काफिर किसे कहते हैं? काफिर उसे कहते हैं जो इस्लाम में यकीन नहीं रखता। कुछ कट्टरपंथी तो दुनिया के हर उस शख्स को काफिर मानते हैं जो मुसलमान नहीं है, उनके लिए हिंदू भी काफिर है, सारे जो गैर इस्लाम में, जो इस्लाम में विश्वास नहीं रखते, जो गैर इस्लाम है, वो सारे काफिर है। यानी कि इस्लाम के अलावा किसी भी धर्म और आस्था में यकीन रखने वाला इन कट्टरपंथियों के लिए कौन होता है? काफिर। अब अहमदिया मुसलमानों को ही काफिर बता रहा है वक्फ बोर्ड। पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, सुनिएगा। जहां 1974 में पाकिस्तान की सरकार ने एक आदेश पारित करके ऐलान किया था कि अहमदिया मुसलमान नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, भारत पाकिस्तान नहीं है ना। फिर जिनको अहमदिया, जो मुसलमान नहीं मानते उनको, पाकिस्तान में उनकी जगह, वो पाकिस्तान में अहमदियों को मुसलमान नहीं माना जाता। इसके बाद 10 साल बाद पाकिस्तान में एक और कानून बनाया गया जिसके मुताबिक खुद को मुसलमान कहने वाले अहमदियाओं को 3 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। जबकि पाकिस्तान में 40 लाख से ज्यादा अहमदिया रहते हैं, अहमदिया मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहां उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। पाकिस्तान में इसी साल, सुनिएगा, अहमदिया मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ने और उन्हें आग के हवाले करने की 6 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। अहमदिया मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ने की 6 से ज्यादा घटनाएं। अब इसी में पाकिस्तान के फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात जैसे इलाकों में तो अहमदिया मुसलमानों को ईद मनाने और कुर्बानी देने तक से रोक दिया। अहमदिया मुसलमान ईद नहीं बना सकते पाकिस्तान में, कुर्बानी नहीं दे सकते, इसी साल रोक दिया। अच्छा, जो परिवार, जो अहमदिया मुसलमान ईद मनाने की कोशिश कर रहे थे ना पाकिस्तान में, उनके खिलाफ ईश निंदा कानून के तहत मामले दर्ज कर जेल भेज दिया जा रहा था। ईद के मौके पर पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों के साथ क्या सुलूक किया जा रहा था ना, ये हमने तस्वीरें भी निकाली है वैसे, जो मस्जिदों के साथ किया था, उसके कुछ सबूत भी हमारे हाथ लगे हैं। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं। आप भी देखिए, पाकिस्तान अहमदिया मुसलमानों को काफिर बताकर उनके साथ क्या करता है, फिर आप समझ जाएंगे कि हमें ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड भारत के अहमदिया मुसलमानों को पाकिस्तान की तरह ट्रीट करना चाहता है क्या। भी कादियानी ना ही नमाज ईद अदा करेगा, ये जो इनकी इबादत गाहें हैं उनके अंदर, और ना ही ये अपनी इमारतों के अंदर या बाहर जानवरों की कुर्बानी करेंगे, क्योंकि ये इमारतों के अंदर करते हैं तो इनकी औरतें भी इस जुर्म में मुलव्वस होंगी जो 298B और 298C में है, और अगर ये बाहर करते हैं तो फिर भी इन पे 298B 298C लगेगी। देखिए, भारत के अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के फरमान को पढ़कर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं उसे इसकी प्रेरणा कहां से मिली होगी। सोचिए ना, अब इत्तेफाक, अब इसे इत्तेफाक ही कहिए, इसी साल फरवरी 3 फरवरी को पाकिस्तान के कराची में अहमदिया मुसलमानों की मस्जिद तोड़ने की खबर आई, फरवरी में। ठीक उसी दिन भारत में वक्फ बोर्ड ने अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान ना मानने का फरमान जारी कर दिया। अब ये कोइंसिडेंस इतना बड़ा हो सकता है, हमें नहीं पता। ये दोनों तस्वीरें 3 फरवरी की, एक जो मस्जिद तोड़ी गई अहमदिया, और उसी दिन आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने बता दिया ये अहमदिया मुसलमान ही नहीं है जी, ये तो काफिर है। पाकिस्तान भारत, दो तस्वीरें। अब कोइंसिडेंस हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन इतना बड़ा संयोग होता है कि आप तय करिए। या भारत में बैठे कुछ कट्टरपंथी ये कोशिश कर रहे थे कि जैसा सलूक पाकिस्तान में अहमदियों के साथ हो रहा है वैसा ही भारत में भी हो, वो भी तब जब भारत में अदालतें इसे पूरी तरह से खारिज कर चुकी है। सुनिएगा, 2012 में भी आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अहमदिया मुस्लिम समुदाय को गैर मुस्लिम करार दिया था 2012। तब यह मामला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, हो ही नहीं सकता भाई। लेकिन इसके बावजूद उसके इस साल फिर से वक्फ बोर्ड ने इसी तरह का फरमान जारी कर दिया हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। हाईकोर्ट से बड़ा तो नहीं है ना, कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं हमारे देश में। 2014 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी शरिया अदालतों और मौलवियों की तरफ से जारी होने वाले फतवों के बारे में कहा था कि गैर कानूनी है और किसी फतवे पर अमल करने की कोई कानूनी बाध्यता है ही नहीं। इसके बावजूद भारत में आज भी थोक के भाव में फतवे जारी होते हैं। और तो और, वक्फ बोर्ड जिसका फतवों से कोई लेना देना नहीं है, जिसका काम क्या है सिर्फ वक्फी जमीनों के मेंटेनेंस के बारे में सोचना, वक्फी जमीनों के बारे में सोचना, अब वो भी फतवे जारी कर रहा है। लेकिन वक्फ बोर्ड को याद रखना चाहिए कि भारत पाकिस्तान की तरह शरिया पर चलने वाला देश नहीं है,
संविधान से चलने वाला देश है, वही संविधान जिसने वक्फ को इतना शक्तिशाली बना दिया, इतना शक्तिशाली कि वो संविधान जिसके 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक के आर्टिकल ये बात डंके की चोट पर कहते हैं कि इस देश में सबको अपना धर्म चुनने, उसका पालन करने, उसका प्रचार करने और उसमें रहने की आजादी देता है, जिसमें अहमदिया मुसलमानों को भी वही अधिकार है बतौर भारतीय, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन जैसे वक्फ बोर्ड कई बार उस जमीन पर भी हाथ रख देता है ना जो उसकी होती नहीं है, उसी तरह वक्फ ने वहां दखलअंदाजी करने की कोशिश की जहां पर उसका कोई अधिकार ही नहीं है। और यही वजह है कि अब इस तरह के आदेश देने वाले वक्फ बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी है वक्फ को लेकर। वैसे भारत में अहमदिया मुसलमानों की संख्या कुछ 1 से लेकर 10 लाख के बीच बताई जाती है और भारत अहमदियाओं की अपनी जमीन है, क्योंकि 1889 में अविभाजित भारत के पंजाब में मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, उन्हीं का अनुसरण करने वाले अहमदी मुसलमान कहलाते हैं, अहमदिया मुसलमान। वक्फ वालों को बुरा लग रहा होगा, मैं बार बार बोलूंगा अहमदिया मुसलमान। फर्क जानते हैं क्या? फर्क यह है कि जहां दुनिया भर के ज्यादातर कुरान को इस्लाम की आखिरी पुस्तक और पैगंबर मोहम्मद साहब को आखिरी नबी मानते हैं, अहमदी मुसलमान कहते हैं कि ना तो कुरान इस्लाम की आखिरी पुस्तक है और ना ही पैगंबर साहब आखिरी नबी। यह फर्क है सोच का अहमदियों और दूसरे मुसलमानों के बीच। इस फर्क के अलावा अहमदिया बाकी मुसलमानों की तरह ही काबा की दिशा में नमाज पढ़ते हैं, कुरान को सबसे पवित्र किताब मानते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, सुन्ना में यकीन रखते हैं। अहमदी समुदाय का ध्येय वाक्य क्या है? सबके लिए प्रेम, किसी के लिए नफरत नहीं। अहमदिया मुसलमान, अहमदिया मुसलमान हिंसा के सख्त खिलाफ है और भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। आप सोचिए, अहमदिया मुसलमानों को काफिर बता रहा है वक्त, आंध्र प्रदेश वक्त। इस समय अहमदिया मुसलमान दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में मौजूद हैं, जिन्होंने इन देशों में 16,000 से ज्यादा मस्जिदों का निर्माण कर दिया, 16,000, 600 से ज्यादा स्कूल बनवाए, 30 अस्पताल चलाए जाते। इतना ही नहीं, अहमदिया मुसलमान कुरान का 70 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद भी कर चुके हैं, यानी कि हर तरीके से खुद को इस्लाम के लिए समर्पित करने के बावजूद उन्हें मुसलमान ही मुसलमान सिर्फ इसलिए नहीं मानते क्योंकि इनके सिर्फ कुछ विचार इस्लाम की स्थापित मान्यताओं से मेल नहीं खाते हैं। सोचने की जरूरत, उधर आपको बता दें।